मैं हूं प्रतीक तिवारी और आप देख रहे हैं हम सबका यूट्यूब चैनल अहम भारत समाचार। काश मैं भी डीएम की गाय होती। इस वाक्य से आपको समझ में ही आ गया होगा कि आगे की चर्चा किनके संदर्भ में होने वाली है। जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर अपूर्वा दुबे, आपने नाम तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया में खूब लोकप्रियता बटोर रही हैं डीएम साहिबा, यह कहकर कि मेरे साथ सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में आपको घटना का वर्णन कराते हैं। दरअसल डीएम फतेहपुर अपूर्वा दुबे की साहिवाल प्रजाति की गाय बीमार होते देख मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 7 चिकित्सकों की इमरजेंसी में गाय की देखभाल लगाने का एक पत्र जारी किया गया, जिसमें सभी चिकित्सकों का गाय की देखभाल करने का समय निश्चित था। साथ साथ शाम 6 बजे सभी चिकित्सकों के द्वारा गाय की हालत की रिपोर्ट, गाय की स्थिति की रिपोर्ट फोन द्वारा उपलब्ध कराने की भी बात कही गई थी। अब आप बताएं, इसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी जी ने गलत क्या किया? यह भी कहा गया कि गाय की देखभाल में लापरवाही अक्षम्य है। इस प्रकरण पर मैं जिलाधिकारी महोदय तिलमिला उठी और क्या कुछ कह बैठी, देखिएगा आगे जारी वीडियो में। चीजें कहना चाहूंगी कि ऐसा ना ही कोई आदेश मेरे द्वारा जारी किया गया, ना ही मेरे द्वारा उनसे कोई भी इस क्रम में कोई वार्ता तक हुई, परंतु उनके द्वारा ये मनमाने तरीके से, यदि आप लेटर को देखें, ना ही उस लेटर की प्रतिलिपि, यदि वो मेरे आदेश के क्रम में होता तो प्रतिलिपि कहीं जाती, वो एक इंटरनल वो अपने ऑफिस में जारी करते हैं। डाक रजिस्टर उनका मंगा करके देखा गया, 544 डाक संख्या से वो जारी करते हैं, 545 डाक संख्या से वो उसको निरस्त करते हैं, यानी अगले ही डाक संख्या से वो उसको निरस्त कर देते हैं, जो स्पष्ट परिलक्षित करता है कि वो किस षड्यंत्र को या किस तरह से उन्होंने, जिसको कहते हैं अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा करते हुए, दूषित मानसिकता से किस प्रकार का उनके द्वारा पत्र और कृत जारी करते हुए इस तरह के कृत किया गया है। क्योंकि यह पत्र, मैं आपको बता दूं, मेरे संज्ञान में भी ट्विटर ही के माध्यम से आया, ये मेरे पास कहीं पर भी कोई संज्ञानित नहीं था। मैं पुनः स्पष्ट करूंगी कि मेरा कार्यकाल यहां 1.5 वर्ष का रहा है। ये बहुत ही जिसको कहते हैं अहम बात है कि मेरे द्वारा लगातार मई से सघन मॉनिटरिंग ग्रीष्मकाल को देखते हुए और भूसा संग्रह को लेते हुए की गई है, जिसकी ये कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया है। सीवीओ और डिप्टी सीवीओ दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और इन दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई के लिए लिखा भी गया है। दोनों ही के द्वारा 1.5 वर्ष में किसी न किसी तरह लिखित मौखिक आदेशों की अवहेलना, लिखित आदेशों में उनके द्वारा पत्रावली ससमय प्रस्तुत नहीं करके 2-3 महीने पत्रावली उनके द्वारा दबा लेना, इस तरह का उनके द्वारा कृत किया गया है। और ये आश्चर्यजनक बात कहीं न कहीं है कि 1.5 वर्ष तक पशु चिकित्सा अधिकारियों के कई पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे अच्छा भी काम कर रहे हैं, परंतु इनके द्वारा जिस प्रकार का एक लीडरशिप रोल लेकर के आगे आने का जो काम करना था सीवीओ और डिप्टी सीवीओ द्वारा नहीं किया जा रहा है, इस तरह के कार्य में उदासीनता। आपने डीएम साहिबा द्वारा कहे गए हर एक शब्द को अच्छे से सुना और समझा भी होगा कि किस तरह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी कोई निजी गाय है ही नहीं और ना ही मेरे परिवार में कोई भी गाय है। अब बेचारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने नहीं सोचा था कि डीएम साहिबा इस तरह का बयान देगी, अतः डीएम की गाय की सेवा के बदले उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर उपहार स्वरूप मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार व प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी गौशालाओं की गायों की हालत किसी से छुपी नहीं है। अक्सर भोजन पानी के अभाव में और चिलचिलाती धूप में दम तोड़ती तस्वीरें गौशालाओं की बदहाली को आईना दिखाती प्रतीत होती हैं। बेचारे डॉक्टर साहब सेवा भाव में इतना डूब गए कि उन्हें नहीं पता था इसका परिणाम कितना कड़वा होगा। डॉक्टर साहब ने तो डीएम के सम्मान में उनकी गाय की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए और सोचा था कि डीएम साहिबा खुश होकर उन्हें सम्मानित करेंगी, उनकी सराहना करेंगी, लेकिन ये क्या हुआ,
सम्मान की जगह अपमान और सराहना की जगह प्रताड़ना झेलने को मिली डॉक्टर साहब को। अब डॉक्टर साहब भविष्य में इस तरह की सेवा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऐसी ही खबरों के साथ बने रही हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।